कल ईद उल अजहा होने के वजह से कुर्बानियों का एहतमाम रहने वाला है। मैं कमिश्नर साहब को कॉरपोरेशन की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ भी कुर्बानी होंगी उनके कॉरपोरेशन के लोग अपने थैले लेकर कॉरपोरेशन के घर घर जाएंगे, वहाँ जिनके पास भी कुर्बानी के मसले रहेंगे, जो भी उनको समस्या रहेंगी वो हल करने के लिए कुर्बानी के लिए हर वार्ड में घर घर उनके नुमाइंदे जाने वाले हैं। घर घर जो है कॉरपोरेशन के लोग आने वाले हैं। हमारे पास जैसा कि यहाँ गौतम भाई है, अजमल भाई है, ये खेसर कॉलोनी वार्ड में आने वाले हैं। इस तरह से कल एकादशी का त्यौहार भी है हमारे हिंदू भाइयों का, उनके त्यौहार को भी हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। एकादशी की वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात मसला नहीं है, आप दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, सभी समाज के लोगों का ख्याल रखते हुए ये काम करो, कोई शहर में हालत ख़राब ना होए। एमएससीबी वालों को भी हमने कहा, उनको बताए कि भाई आप जो है कल लाइट आपकी जाना नहीं, कल ईद का बड़ा त्यौहार है, किसी वजह से आपकी लाइट गई तो पूरा मामले काम डिस्टर्ब होते हैं। कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, आपके जो भी टप्पे पानी के रहते हैं हर वार्ड में हर एरिया के अंदर, उसको बाजू रखते हुए सभी लोगों को पानी का एक घंटे का इंतमाम कल आप देने की कोशिश करें। वार्ड क्रमांक 45 केसर कॉलोनी, केसर कॉलोनी, मोबाइल नंबर 8788833019। जो काही कुर्बानीचं मटेरियल निघेल ते आपल्या मनपा रेड्डी कंपनीच्या गाडीमध्ये टाकून देऊ। सबसे पहले मैं ईद उल अजहा की सभी हमारे बरादर ने इस्लाम को, सभी धर्म के लोगों को ईद उल अजहा की मैं अपने दिल की गहराइयों से पुरखलुस मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल ईद उल अजहा होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक बड़ा ईद का त्यौहार होता है। इस ईद के अंदर कुर्बानी का एहतमाम मज़हब के हिसाब से होता है। ये काम कभी दुनिया में कभी ये कुर्बानी का मसला देने का रुकने वाला नहीं है। ये काम कुर्बानी का जब तक हयामत रहने वाली है जब तक होने वाला है। इस वजह से इंशाल्लाह, इस वजह से कल ईद उल अजहा होने के वजह से कुर्बानियों का एहतमाम रहने वाला है। मैं कमिश्नर साहब को कॉरपोरेशन की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने पूरे शहर के अंदर पूरे कॉरपोरेशन की टीम को काम को लगाया है। जो भी जहाँ भी कुर्बानी होंगी उनके कॉरपोरेशन के लोग अपने थैले लेकर कॉरपोरेशन के घर घर जाएंगे, वहाँ जिनके पास भी कुर्बानी के मसले रहेंगे, जो भी उनको समस्या रहेंगी वो हल करने के लिए कुर्बानी के लिए हर वार्ड में घर घर उनके नुमाइंदे जाने वाले हैं। उसके वजह से काफ़ी हमको सहूलत मिलेंगी और हमारा भी ये फर्ज बनता सभी लोगों का, कुर्बानी की वजह से कुंडे के ऊपर, रोड के ऊपर, किसी भी तरह से कुर्बानी का जो है तो कोई भी जो है तो पार्ट्स या चमड़े वगैरह कुछ भी गंदगी फेंकने की कोशिश ना करें। घर घर जो है कॉरपोरेशन के लोग आने वाले हैं। हमारे पास जैसा कि यहाँ गौतम भाई है, अजमल भाई है, ये खेसर कॉलोनी वार्ड में आने वाले हैं। इस तरह से कल एकादशी का त्यौहार भी है हमारे हिंदू भाइयों का, उनके त्यौहार को भी हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। हमको इत्मीनान से हो सके तो कल करिए, कल नहीं जमा एकादशी की वजह से तुम नहीं कर सकते हैं तो परसों दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए। हमारे लिए 3 दिन का एहतमाम है कुर्बानी करने का, 3 दिन के हिसाब से अपनी सहूलत के हिसाब से करिए। एकादशी की वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात मसला नहीं है, आप दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, सभी समाज के लोगों का ख्याल रखते हुए ये काम करो, कोई शहर में हालत ख़राब ना होए। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी का एजेंडा चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करना, और माहौल ख़राब करके किस तरीके से वोट हासिल करना और सत्ता में बरकरार रहना, ये उनकी कोशिश चल रही है। अगर वो करे, सत्ता में रहना चाह रहे, सत्ता हासिल करे, लेकिन उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है
कि इस तरीके से तुम कोई माल खराब नहीं करना। जिस तरह से अभी कुर्ला में एक मॉब लिंचिंग हुई, इसके अंदर एक आदमी की शख्स की जान गई, ऐसे हालात ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम उनको मौका कल के दिन देना नहीं है। इसलिए आप ख्याल रखिए, एमएससीबी वालों को भी हमने कहा, उनको बताए कि भाई आप जो है कल लाइट आपकी जाना नहीं, कल ईद का बड़ा त्यौहार है, किसी वजह से आपकी लाइट गई तो पूरा मामले काम डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए उनसे हमने रिक्वेस्ट करे। और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, आपके जो भी टप्पे पानी के रहते हैं हर वार्ड में हर एरिया के अंदर, उसको बाजू रखते हुए सभी लोगों को पानी का एक घंटे का इहतमाम कल आप देने की कोशिश करें। अगर ये अगर आप इंतजाम करें, जैसा भी हो सकता आपको इसमें रुशियारा बहुत आएंगी, लेकिन आप किस तरह से हल कर सकते आप इसकी कोशिश करें। एक घंटा पानी आया तो हमारे मसले घरों के जो रहते हैं कुर्बानी के बाद के कुर्बानी के में जो भी रहते साफ सफाई के, उसमें काफ़ी हमको आसानी होंगी। मैं ये जो कमिश्नर साहब है कॉर्पोरेशन के, ये एक बहुत सीरियस और एक दबंग कमिश्नर है, और इनको कोरोनाबाद में काम करना है। इनकी इनके नेटवर्क से हमने देखे कि आते के साथ जब से ज्वाइन हुए लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार शहर में काम कर रहे हैं, और मैं उनसे ये इस मौके पर ईद उल अज़हा के मौके पर एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम शहरियान की तरफ से कि कल जो है एक घंटा उन्होंने पानी का इंतजाम करने की कोशिश करे, साफ सफाई के लिए जितना भी उनका महकुमा है, कल ईद के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन उन्होंने पूरे उनका जितना भी स्टाफ है औरंगाबाद शहर का, जितना भी महकुमा है, पूरे लोगों को उन्होंने काम पे कल लगाना चाहिए। कल इमरजेंसी देखते हुए पूरे लोगों को उन्होंने कल की छुट्टी कैंसिल करना चाहिए, सबको काम को लगाना चाहिए और आराम से शहर में साफ सफाई की कोई तकलीफ शहर के लोगों को ना हो, ये उन्होंने कोशिश करना चाहिए। ये उनका पहले ईद का मौका है जो इस मौके पे वो यहाँ रहने वाले है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, और उनकी छवि जैसी देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि वो काम यकीनन बहुत अच्छा काम करेंगे, और काम करके जो है तो शहर में शहरियान को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, ऐसी वो कोशिश करेंगे, ऐसी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं। मोबाइल नंबर 8788331019 गौतम दगड़ीदार का कुर्बानी का मटेरियल जो निकल ते आपला मनपा रेड्डी कंपनी गाड़ी मध्ये टाकून देव आम सका 8 वाजेपर्यंत कचरा उचलणार आहे। 8 च्या नंतर आमची जी सेवा राहील ती आमची मनपा गाडी जी आहे गोपीनाथ रेड्डी कंपनीची गाडी, त्या गाडी मध्ये पूर्ण कचरा तो टाकून घेऊन जाणार आहे। 8788331039 साफ सफाई तो जरूरी है, बहुत धान हो गई यहाँ से जल्दी डालने का बोल दिए, काम है कि कोई गाड़िया भेजे जिसकी भी जो गली दूर निकलेगी वो उसमें डाल देंगे हम, बाहर नहीं डालेंगे। इतनी मेहरबानी कीजिए आप, थोड़ा साफ आदमी बढ़ा दो,